मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्यूटी। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दो स्क्रब। पहला है मेरा होममेड फेस स्क्रब जो कि है राइस का, और सेकंड है मेरा हिमालय का वॉलनट स्क्रब जो कि है ये भी काफ़ी अच्छा स्क्रब है हिमालय का, और ये हर्बल स्क्रब है हिमालय के। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें अक्सर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर्बल ही होते हैं, और मुझे लगता है कि हिमालय का ये वॉलनट स्क्रब भी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ये हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्लैक हेड्स को दूर करता है, और डेड स्किन को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और गाइज, जो मेरा राइज का स्क्रब है वो हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को दूर करता है। तो गाइस, आज मैं दोनों स्क्रब शेयर करूंगी। मैं अपने फेस के एक साइड पे ये स्क्रब लगाऊंगी हिमालय का, और एक साइड में लगाऊंगी अपना होममेड फेस स्क्रब, और फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कितना चेंज है। और इसके अलावा गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम स्क्रब करते क्यों हैं। गाइस, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारी स्किन जो है हर रोज़ एक लेयर छोड़ती है जिसे कहते हैं डेड स्किन। तो डेड स्किन को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम डेड स्किन को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल लगने लगेगी, और हमारी स्किन का जो ग्लो है वो चला ही जाएगा। तो स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए और डेड स्किन को रिमूव करने के लिए हम स्क्रब का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्क्रब यूज़ करने से हमारी जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो गाइज, अगर आप भी होममेड स्क्रब आपको भी पसंद है तो प्लीज़ एक बार उस स्क्रब को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को वाइटनिंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, एंड राइज भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। तो गाइस, सबसे पहले आप ले लीजिए चावल का आटा एक चम्मच, और उसमें आपको मिक्स करना है टोमेटो का जूस और थोड़ा सा टोमेटो का पल्प मिक्स कर लीजिए। एंड गाइस, उसके बाद कुछ मिक्स करनी है आपको नींबू के जूस की कुछ बूंदें, एंड उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये हमारा होममेड स्क्रब तैयार है। स्पेशली ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और ये है हमारा हिमालय का वॉलनट स्क्रब। तो चलिए अब ये दोनों लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी छोटी सी बिंदी निकाल लूँगी, एंड अब एक साइड इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। गाइस, जब भी आप स्क्रब लगाएं तो थोड़ा सा अपना फेस को गीला जरूर कर लें। गाइज, इसमें जो तीनों चीज़ें मैंने मिक्स की है वो बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। एंड टोमाटो जो है वो अंदर से डीप क्लीन करता है हमारे फेस को, तो बेस्ट है। एंड जो इसमें लेमन जूस मैंने मिक्स किया है तो वो लेमन जूस भी बहुत अच्छा होता है फेस को क्लीन करने के लिए, और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये फेशियल हेयर को उसका कलर चेंज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अब मैं लगा रही हूँ दूसरी साइड हिमालय का वॉलनट स्क्रब, एंड ये क्रीमी है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि स्क्रब का काम करते हैं। गाइस, मैं इसे मंथ में एक बार ही यूज करती हूँ, एंड बाकी टाइम मैं अपना होममेड स्क्रब ही यूज करती हूँ। चावल का आटा जो है वो आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और अगर नहीं है तो आप चावल को मिक्सी में ग्राइंड करके चावल का आटा तैयार कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो जो चीज़ें हम घर पर बना सकते हैं तो उन्हें मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है। तो अब इसे अच्छी तरीके से हम स्क्रब करेंगे, एंड स्क्रब हमें धीरे धीरे हाथों से करना है। मेरा वीडियो फास्ट मोड में है। गाइस, कभी भी स्क्रब जो है एक से दो मिनट से ज़्यादा तो हमें करना ही नहीं है। ज़्यादा अगर हम स्क्रब करते हैं ज़्यादा टाइम तो फिर हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, तो मैक्सिमम दो मिनट से ज़्यादा ही आप स्क्रब कीजिएगा, उससे ज़्यादा स्क्रब मत कीजिए। एंड गाइस, अपने नोज और चिन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम चिन एरिया पे और नोज पे ही ज़्यादा होती है। चेंज आया है, तो अभी मैंने कर लिया है
फेस को वॉश एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, मेरी दोनों चीक्स ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं एंड मुझे तो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों सेम ही है। इसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आइस क्यूब का यूज़, क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो स्क्रब करने के बाद ओपन हो जाते हैं, तो अगर फेस पैक लगाना है तो बेस्ट है, बट अभी मैं नहीं लगा रही हूँ तो इसलिए मैंने आइस क्यूब का यूज़ किया है। एंड उसे ड्राई होने के बाद आप अपने फेस पे लगा लीजिए एलोवेरा जेल या फिर कोई सीरम या फिर नाइट क्रीम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए गाइस आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अपने दोनों चिक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं एंड दोनों साइड मुझे ग्लो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो दोनों बेस्ट हैं। ये था गाइस मेरा आज का वीडियो, होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रब में आपको कौन सा स्क्रब ज़्यादा अच्छा लगा ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।